तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन एंड देन मल्टीप्लाइड बाय द 100 टू चेंज इन परसेंटेज। यानी कहने का मतलब है, आपको अगर 1% का बनाना है तो 1% के लिए आपको परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बनाना है तो 1 ग्राम लेना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा कितना 100 से और मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपका निकल के आ गया 1% का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम ये कुछ टर्म है इनको देख लेते हैं। जैसे आपको देखने को मिलेगी परसेंटेज वेट बाई वेट, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपने समझा कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है वेट लेना है आपको ग्राम में और डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है सॉल्यूशन से, यानी 100 ml आपको वॉल्यूम लेना है। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। उसके बाद क्या है कि परसेंटेज ऑफ वेट वाई वेट आपको जब निकालना है तो इसका मतलब होता है कि आपको जो लेना है वो एक ग्राम लेना है, और 1 ग्राम लेने के बाद आपको 100 ग्राम में इसे मिक्स करना है। ठीक है, जब वेट वाई वॉल्यूम की बात आती है तो आपको यहाँ पर भी 1 ग्राम लेना है, 1 ग्राम लेके 100 ml में लेना है, बस इतना सा अंतर है। यहाँ आपको ग्राम में वेट लेना था, वेट वाई वेट जैसा कि लिखा है, तो यहाँ ग्राम में लेना था, अब जब वेट वाई वॉल्यूम हो गया तो यहाँ ml में ले लिया। लेकिन आप ले रहे हैं, ये केवल मैं बता रहा हूँ 1% के लिए। जब हम 1% का सॉल्यूशन बना रहे हैं, 1% या वेट वाई वेट बना रहे हैं, 1% वेट वाई वॉल्यूम बना रहे हैं, या 1% वॉल्यूम वाई वॉल्यूम बना रहे हैं, तो 1% वॉल्यूम वाई वॉल्यूम कैसे बनाओगे आप? इसमें सीधा सा फंडा है, 1 ml को लेके आपको 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व करना है। आपने देखा वॉल्यूम वाई वॉल्यूम है, तो 1 ml को लेके 100 ml में करना है। अब यहाँ पर आपको करना है वॉल्यूम वाई वेट, सीधा सा फंडा है, हम 1% का वॉल्यूम वाई वेट बनाएंगे, तो उसका मतलब होता है 1 ml को लेके 100 ग्राम में करना है आपको। जैसा आपने ऊपर देखा था कि आपने यहाँ वेट वाई वेट बनाया, तो आपने 1 ग्राम को लेके 100 ग्राम में किया था, सेम यही यहाँ पे थोड़ा सा मिलता हुआ लग रहा है लेकिन अलग है, वॉल्यूम वाई वेट है, तो यहाँ पे आपने ml ले लिया। अब यहाँ पे ग्राम में था, यहाँ पे ml ले लिया, यहाँ पे भी ग्राम में था लेकिन यहाँ पे आपने ये ग्राम ले लिया क्योंकि ये वेट में था। ठीक है, तो ये टर्म है। तो जैसा आपने समझा अभी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन है क्या। सबसे पहले तो मैंने बताया जैसे 1% का, अब जैसे हमें 2.5% का वेट वाई वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है। अब आपको क्या करना होगा, 2.5% का वेट वाई वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, आपको लिखा हुआ मिलेगा 2.5, तो आपको सीधा सा कुछ नहीं करना है। वेट का मतलब है आपको ग्राम में लेना है वेट, और वॉल्यूम का मतलब है आपको 100 में लेना है, यानी ग्राम लेके आपको 100 ml में लेना है। अब इसका सीधा सा मतलब हो गया 2.5 ग्राम लेना है, 2.5 ग्राम को लेके 100 ml में आपको डिसॉल्व कर देना है। डिसॉल्व करने के बाद आपको ये आपका 2.5% का सॉल्यूशन बन गया, यानी आपका अगर ये वो है वॉल्यूमेट्रिक है तो आपको 2.5 ग्राम वेट को इसमें डालना है, और ये मार्क है, इसमें आपको इस मार्क तक वॉल्यूम जो है वो 100 ml तक कर देना है, तो ये आपका 2.5% का बन गया। अब दोस्तों मैं आपको 4 क्वेश्चन आपको बताता हूँ सॉल्व करके, जिससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 7% का वेट वाई वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10% का वॉल्यूम वाई वॉल्यूम सॉल्यूशन बनाना है। इसके बाद क्या करना है आपको, 5% का वॉल्यूम वाई वेट आपको सॉल्यूशन बनाना है, और 5 पे क्या करना है आपको,
2.7% का वेट वाई सॉरी वॉल्यूम वाई यहाँ पे वेट वाई वेट सॉल्यूशन बनाना है। तो सीधा सा फंडा है, मैंने जैसे बताया कि आपको सबसे पहला आपको क्या करना है, पहले नंबर पे आपको फोकस करना है। 7% का मतलब है 7% वेट वाई वॉल्यूम, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सीधा सा जैसे मैंने वेट की बात आया तो 7 ग्राम करना है, यानी वेट जो है आपका वो ग्राम में लेना है आपको। 7 सीधा 7 आ गया, वेट जो है वो आपको ग्राम में ले लिया, और आपने यहाँ पे वॉल्यूम की बात आ रही है तो वॉल्यूम में 100 ले लेना है बस, 100 यानी 100 अब वॉल्यूम है तो ml, ठीक है आप समझ रहे होंगे। 7 यानी 7% वेट बाई वॉल्यूम का मतलब है 7 को आपको 7 आपने उतार दिया, वेट है आपको ग्राम में कर दिया आपने, और वॉल्यूम जो है वो ml में होता है, और हमें करना क्या है 7 को लेके, परसेंट का मतलब ही होता है 100, तो आपको 100 ml में ले लेना। अभी आपको दिख रहा है 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का सीधा सा मतलब हो गया, वॉल्यूम का मतलब मैंने बताया ml, 10 का 10 आ गया ml, और ये दूसरा वॉल्यूम वाई वॉल्यूम है तो ये 100 में आ गया। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन में जो भी आप सॉल्यूशन बना रहे हो उसे 100 में या तो डिसॉल्व करना है या मिक्स करना है। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ सीधा 5 का 5 आ गया आपको, यानी 5 आपको ये वॉल्यूम वाई वेट है तो 5 लेना है आपको वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम की बात आ रही है तो यहाँ पे ml में ही लेना है, आपकी यूनिट चेंज हो सकती है लेकिन मैं सिंपली भाषा में आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे आपका ml आ गया और ये आ गया वेट, तो यहाँ पे आपका 100 आ गया, और वेट हमें लेना है हमने यहाँ पे बताया ग्राम में, तो वेट आपका ग्राम में ले लिया आपने। ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब है आपका 2.7% वेट वाई वेट, सीधा सा फंडा है भाई, ग्राम को लेना है ग्राम में। अब हम यहाँ 2.7 आपका 2.7 सीधा आ गया, ये 2.7 ग्राम लेना है, और वेट की बात आ रही है तो ये 100 ग्राम में आपको मिक्स कर देना है। तो ये आपका हो गया परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। आपको अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।